हेलो दोस्तों मैं हर्षवर्धन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग कला में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मिलीबग का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अपने पौधों में जो ये दोस्तों मिलीबग होता है ये बहुत ही एक कॉमन इंसेक्ट है जो आपके किसी भी पौधे में लग सकता है चाहे वो आपका किसी सब्जी का पौधा हो या फिर किसी आ, फ्रूट का पौधा हो जैसे अभी जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे आम के पौधे में कि वो आम के पौधे में कैसे आप उसको हटाएं क्योंकि तो हमारा एक छोटा सा आम की सेपलिंग है उसके अंदर मिलीबग का अटैक हुआ है तो जो मिलीबग वैसे तो केमिकल से भी हट सकता है और आपका कीटनाशक से भी हट सकता है पर लेकिन आज हम एक घरेलू नुस्खा आपको बताने वाले हैं सिर्फ़ दौड़पय में एक घर की एक नॉर्मल सी चीज़ आप यूज़ करके सिर्फ दौड़ पे में कैसे मिलीबग को आप हटा सकते हैं वो भी सिर्फ़ दस मिनट में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दी आ, दोस्तों देखिए जिस पौधे की मैं बात कर रहा था वो ये हमारा पौधा है आ, आम की सैपलिंग जिसके अंदर मिलीपका अटैक हुआ है ये देख सकते हैं आप वाइट वाइट तरह के ये जो कीड़े लगे हुए हैं इसके अंदर देखिए कितने सारे हैं और ये फर्क क्या डालते हैं आपके प्लांट में या आपके प्लांट की ये जो ज, आ, स्टेम है देख रहे हैं स्टेम के साथ चिपके हुए हैं ये जो स्टेम है इसके ऊपर चिपक जाते हैं और ये देखिए कितने सारे हैं ये ये देखिए आप मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ ये देखिए आप ये कितने सारे हैं बड़े बड़े भी कितने सारे हैं और इन पर नॉर्मल जो है आपका कीटनाशक नहीं चलता है क्योंकि इनकी जो ऊपर की जो वाइट परत देख रहे हैं बहुत ही हार्ड होती है तो ये आपके पौधे को अंदर से खाते रहते हैं और आपके पौधे का जो रस है वो चूसते रहते हैं जिसकी वजह से आपका पौधा मरने लगता है अगर इनका टाइम पे आ, सही से उपचार नहीं किया गया हटाया नहीं गया तो ये आपके पौधे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपका पौधा मर भी सकता है बहुत ही कम समय में अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो बहुत ही कम समय में आपका ये पौधा मर जाएगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इसको आ, ट्रीट करना है और कैसे बहुत ही जल्दी बहुत ही कम एफर्ट में और बहुत ही कम आ, पैसे में आपको ये हटाना है और एक बात ज़रूर ध्यान रखना है किसी भी अगर आपके पौधे में मिली बग का अटैक हो तो सबसे पहले आपको दूसरे पौधों से उसको अलग कर देना है ताकि ये जो मिली बग है किसी दूसरे पौधे में ना फैले ये बहुत ही जल्द एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल जाते हैं और आपको बिल्कुल भी बचाव करने का मौका नहीं देते जो हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ क्या इस्तेमाल करेंगे एक तो हम इस्तेमाल करेंगे ये एक लीटर की बोतल का ये हमारे पास स्प्रेयर है ये वाला जैसा कि आप देख सकते हैं और दूसरा ये कि मैं बाज़ार से ये दो रुपये का हेड एंड शोल्डर लेके आया हूँ आपको करना क्या है कि ये दो रुपए का हेड एंड शोल्डर तो ये दो रुपये में पाँच एम आता है इस पाँच एम को एक लीटर पानी में अच्छे से मिला के इस पौधे पे स्प्रे करना है स्प्रे करने का मैं आपको ये यूज़ करने का मैं आपको बताया था कि हम क्यों ये हेड एंड शोल्डर यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आपका कास्टिक सोडा होता है हेड एंड शोल्डर के अंदर या किसी भी शैम्पू या साबुन के अंदर जो कि इनकी जो हार्ड चमड़ी है ये जो वाइट बग की हार्ड चमड़ी है ऊपर के ये एक शेल होता है ये जो हार्ड चमड़ी है इसको तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है अगर आपने ये हार्ड चमड़ी तोड़ ली तो ये ये आपके मिली बग मर जाते हैं और मिली बग की एक और भी पहचान होती है कि जिस पौधे पर मिली बग होंगे या कोई भी कीड़ा होगा उस पर आपको चीटियाँ बहुत मिलेंगी जैसा कि आप इस पौधे में भी देख सकते हैं कि आपको चीटियाँ दिख जाएंगी तो ये एक दूसरी पहचान भी होती है तो चलिए मैं पहले अपना सॉल्यूशन बना लेता हूँ एक लीटर पानी में और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको स्प्रे करना है तो ये दोस्तों हमने एक लीटर पानी में ये हेड एंड शोल्डर पाँच एम डाल लिया है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको पौधे पर कैसे स्प्रे करना है तो ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पौधे की मिट्टी है ये कवर रहे जितना हो सके क्योंकि जब हम ये डालते हैं इसके अंदर कास्टिक सोडा जो होता है ये मिट्टी को भी आपके पौधे की ख़राब कर सकता है तो सबसे पहले आपको जितना हो सके अपनी मिट्टी को बचाना है हमने जैसे इसके ऊपर अच्छे से कपड़ा लपेट दिया है बिल्कुल देखिए उसके बाद आपको करना क्या है जितना आपके पास ये ये जो हमारे पास ये है स्प्रेयर इसके अंदर आपको अच्छे से प्रेशर बनाना है अगर प्रेशर नहीं बन रहा तो आपको बनाई के पास जो स्प्रेयर होता है वो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप और सीधा डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट ये मिलीबग जो दिख रहे हैं आपको मिलीबग जो ये दिख रहे हैं इन पर डायरेक्ट मार रहे हैं क्योंकि इनके जो ऊपर की जो शेल होता है ये टूटेगा तभी ये इसमें से हटेंगे नहीं तो ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है आप कोई भी अपना केमिकल यूज़ कर लें बर्बाद ही जाएगा तो सबसे पहले आपको जैसे ही देखें ये देखिए प्रेशर से प्रेशर से मारना है बिल्कुल ये देखिए तो ये अच्छे से प्रेशर से मारना है देखिए और इसमें मैं दोबारा अपना प्रेशर बना लेता हूँ ये देखिए ये अब वो नीचे के तो मिलीबग हट गए हैं अब इनको हटाना है ये देखिए वाइट में से थोड़े से ब्लैक हो गए हैं ब्लैक इसलिए हो गए हैं कि इनके ऊपर की जो ये परत होती है वो टूटने लगी है तो आपको वो पूरे प्रेशर से देखिए पूरे पेड़ पौधे पे स्प्रे करना है पहले तो आपको स्प्रे करना है जहाँ पे ये मिलीबग लगे हुए हों तो उसके बाद पूरे पौधे पे करना है बिल्कुल आपको अच्छे से आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं अभी के लिए तो हमारे पौधे के ऊपर से सारे मिली बग हट चुके हैं और ये सिर्फ छोटे से काम के वजह से ही हुआ है हमारे जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया तो मैं फ़ोकस कर लेता हूँ फोकस नहीं है कैमरा हाँ जी ये देखिए ये हमने बिल्कुल हटा लिया है मिली बग देखिए बिल्कुल मिली बग नहीं है यहाँ पर ये देखिए पहले यहाँ कितने थे आपको हमने वीडियो में दिखाया था ये देखिए यहाँ पहले कितने थे अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है देख सकते हैं आप देखिए साफ़ हो चुका है पौधा तो जी ये वीडियो थी हमारी कि आप एक रुपए में या दो रुपए में अपने पौधे में से मिलीपाग कैसे हटा सकते हैं मिलीबग हटाने के तरीके और भी बहुत सारे हैं बहुत सारी वीडियोस में आपको मिली बग से रिलेटेड लेके आऊँगा इसमें तो देखिए अब हमने आ, मिली को हटा दिया जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया और कितना ही आसान था सिर्फ पाँच मिनट लगे आपने सारे मिली को हटा दिया अपने पौधे से और मैं ये आपको बता दूं कि अब एक क्वेश्चन आएगा कि आप कितना इसको इस्तेमाल करें कब कब इस्तेमाल करें तो मैं आपको ये बता दूँ कि टाइमिंग और क्वान्टिटी आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि कैसे आप इसको इस्तेमाल करें क्योंकि टाइमिंग जो क्वांटिटी होती है मिलीबग की वो ही उसी से ही पता चलेगा कि आप इसको कब कब और कैसे कैसे इस्तेमाल करें जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपके पौधे में मिलीबग लग चुके हैं तो आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करें पाँच बारी और अगर बहुत ही कम है अभी अभी स्टार्टिंग ही है तो आप इसको दो तो दिन छोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं कि दो दिन छोड़ के फिर से आप दोबारा से इसको इस्तेमाल कर लें तो ये आपके पौधे को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा तो जी ये एक थोड़ी सी वीडियो छोटी सी वीडियो थी हमारी कि आप मिली बाग अपने पौधे से कैसे हटाएं। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड हमें इंस्टाग्राम एंड फ़ेसबुक पेज पे भी फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एंड फेसबुक पेज का नेम है गार्डनिंग कला वहाँ पे भी हम इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ डालते रहते हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ वहाँ पे भी इस्तेमाल करें चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ धन्यवाद